फ्रेंड्स, दादा दादी की किचन में आपका स्वागत है। आज मैं मैंगो केक बनाऊंगी। इस समय बहुत तरह के आम आ रहे हैं, आपको जो भी फ्लेवर पसंद हो आप उस आम का केक बनाइए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं मैंगो केक बनाना। सबसे पहले ये मैंने 1 कप मैदा लिया है, ये मेरे पास मेजरिंग कप है, इसी से मैं सब चीजें नापूंगी। और ये आधा कप सूजी, ये हम दोनों को मिक्स कर लेते हैं। इसमें हम 1.5 चम्मच बेकिंग पाउडर डालेंगे। ये मेरे पास आधा हाफ टी स्पून है मेजर के लिए। ये देखिए, मैं इसको नाप के डालूंगी। ये आधा चम्मच, ये आधा चम्मच और ये आधा चम्मच, मुझे 1.5 चम्मच डालना है। अब 1/4 चम्मच हम सोडा डालेंगे, खाने वाला सोडा जो होता है वो। देखिए इस तरह से नापेंगे हम इसको लेवल बराबर करके। अब इन सब जो भी ये सूखे मिक्सचर हैं इन सबको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, जिससे कि बेकिंग पाउडर, मैदा, सूजी और सोडा मिक्स हो जाएं। ये सब अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हमने ये जो मैंगो लिया है उसको मैंने रफली काट लिया है। हमको 1 कप मैंगो लेना है। ये देखिए मैं इसी कप से नापूंगी, ये मैंने रफली काटा हुआ है। इसी कप से नाप के मैं डालूंगी 1 कप, ये पूरा 1 कप है। अब हम इसमें 1/4 कप चीनी डालेंगे, ये देखिए आधा कप, इसी से मैं नाप रही हूँ, ये आधा कप। और ये मेरे पास 1/4 कप है, ये 1/4 कप, ये 1/4 कप चीनी हो गई। इसकी हम अच्छे से प्यूरी बना लेंगे। ये मैंगो और चीनी की मैंने प्यूरी बना ली है, इनको मिक्स कर लिया अच्छे से। ये मैं इसमें, किसी भी बर्तन में आप इसको डाल दीजिए। अब हमको जितनी भी गीली चीजें हैं सब मिक्स करनी है एक साथ। अब हम इसमें ये आधा कप दही डालेंगे, दही फ्रेश होनी चाहिए, खट्टी दही ना हो। ये आधा कप दही, आधा कप दूध, ये सब हम इसी में मिक्स करेंगे। और आधा कप ये ऑलिव ऑयल, आप ऑलिव ऑयल, मक्खन कुछ भी डाल सकते हैं, बस कोई भी तेल फ्लेवर वाला नहीं होना चाहिए जिसमें स्मेल हो। मैं ऑलिव ऑयल यूज कर रही हूँ, ये आधा कप ऑलिव ऑयल। अब हम इन सब चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए ये सब मेरी गीली चीजें हैं, जैसे कि मैंगो, चीनी, दही, दूध और रिफाइंड वो ऑलिव ऑयल। आप चाहें तो इसमें कोई भी तेल या मक्खन भी यूज कर सकते हैं। अब ये सूखा सामान, सूजी, मैदा, बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा, ये सबको अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हम इसको इसमें आधा पहले मिक्स करेंगे। बहुत हल्के हाथ से मिक्स करना है। अब ये जो आधा बचा है इसको भी हम इसमें मिक्स कर देंगे। ये देखिए बैटर पूरा केक का तैयार हो चुका है। अब ये इसमें हम काजू और किशमिश या जो भी चीज़ आपको, जो भी ड्राई फ्रूट पसंद हो वो डालें, लेकिन उसमें ये थोड़ा सा मैदा जरूर मिक्स कर लें, नहीं तो आपके ये सारा जो भी ड्राई फ्रूट है ये नीचे जाके बैठ जाता है। अब हम इसको इसमें मिक्स कर देंगे। आप इसमें टूटी फ्रूटी भी डाल सकते हैं। अब मैं ये केक मोल्ड लूंगी, इसके अंदर मैंने ये 1 चम्मच ऑलिव ऑयल डाला है, इसको हम अच्छे से ग्रीस कर लेंगे पूरा। ऑलिव ऑयल, मक्खन या घी कुछ भी आप लगा सकते हैं, इसको बस ग्रीस करना अच्छे से। अब इसके ऊपर हम ये थोड़ा सा 1.5 चम्मच मैदा
छिड़केंगे जिससे कि केक साथ में चिपके नहीं। इसको हम चारों तरफ फैला लेंगे ऐसे करके। आप कोई भी केक टिन ले सकते हैं। मैं आज इसको गैस के ऊपर कढ़ाई में बनाऊंगी और माइक्रोवेव में बनाने का आपको तरीका बताऊंगी। बाकी जो है हम इसको ढाड़ देंगे। अब ये मिक्सचर हम इसमें मोल्ड में डाल देंगे। देखिए मिक्सचर बहुत बढ़िया है, ये बहुत गाढ़ा और बहुत पतला नहीं होना चाहिए। ये देखिए ये केक का बैटर मैंने पूरा केक टिन में डाल दिया है। इसको हम दो तीन बार टैप कर लेंगे जिससे कि एक साथ हो जाए और इसमें से एक्स्ट्रा हवा जो है वो निकल जाए। अब हम इसको काजू से या जो भी ड्राई फ्रूट आपको पसंद हो, टूटी फ्रूटी पसंद है तो टूटी फ्रूटी से गार्निश करें। आप अपने हिसाब से जैसे मर्जी गार्निश करिए। मैंने इसमें बैटर में कोई भी एसेंस नहीं डाला है, कोई भी कलर नहीं डाला है। ये आम का ओरिजिनल कलर है। ये थोड़ी सी किशमिश भी हम डाल देते हैं बीच में। आप चाहें तो पिस्ते से भी इसको गार्निश कर सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो। ये पैन मैंने गैस पे गर्म होने के लिए रख दिया है। इसको 5 मिनट हो गए। ये मैंने इसके अंदर नमक डाला है, ये मेरा यूज किया हुआ नमक है, ये खराब नहीं होता। जब भी आप केक बनाएं या कुछ भी मूंगफली वगैरह भूननी हो, इस नमक को यूज करें। अब ये गर्म हो चुका है, इसके अंदर ये मैंने स्टैंड रख दिया है। अब मैं इसमें ये केक टिन रख देती हूँ। इसको हम ढक्कन से ढक देते हैं। इसमें से गैस बाहर नहीं निकलनी चाहिए भाप। अब ये गैस को हम सिम कर देंगे और 30-35 मिनट इसको लगेंगे पकने में। बीच में हम इसको एक बार खोल के चेक कर लेंगे। अगर माइक्रोवेव में बनाना हो तो आप माइक्रोवेव में कन्वेक्शन मोड पे बनाइए, 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर 25 मिनट के लिए बेक करिए। ये देखिए केक बन के तैयार है, बहुत बढ़िया केक बना है। मैं इसमें आपको चाकू डाल के दिखाती हूँ। चाकू या चम्मच आप किसी भी चीज से चेक करें, ये देखिए एकदम साफ निकल रहा है। इसका मतलब केक बहुत बढ़िया बना है, बहुत स्पंजी बना है। लेकिन ये अभी बहुत गर्म है, इसको हम कम से कम आधे घंटे तक ठंडा करेंगे, फिर हम इसको इसमें से निकालेंगे। ठंडा करने के बाद मैं आपको इसको निकाल के दिखाऊंगी। ये देखिए केक बन के तैयार हो गया है, ठंडा हो गया। अब मैं इसको डीमोल्ड करना बताती हूँ आपको। हम ये प्लेट को इसके ऊपर रख देंगे ऐसे करके और इसको पलट लेंगे। ये देखिए कितना बढ़िया केक बना है। अब हम इसको सर्व करने के लिए जिस प्लेट में हमको सर्व करना है उसको इसके ऊपर रख के फिर इसको ऐसे करके हम पलट देंगे। ये देखिए बहुत स्पंजी, बहुत बढ़िया केक बना है। आप ऐसे करके देखिए, मैं आपको काट के भी दिखाती हूँ इसको। अभी थोड़ा गर्म है, बिल्कुल ठंडा हो जाए तब इसका काटने में मजा आएगा। ये देखिए बहुत बढ़िया केक बना है। आप इसको अपने हिसाब से जितने बड़े पीस काटने हो आप काट लें। देखिए बहुत बढ़िया केक बना है, बहुत स्पंजी है, बहुत सॉफ्ट है। आप सब लोग बनाएं और मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें। सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। फ्रेंड्स, हमारे चैनल के सारे अपडेट्स पाने के लिए आप मेरे ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम को फॉलो जरूर करें। इन सब का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है।